गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स क्लास ऑफ एबीएन। एबीएन की कॉमर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज आपका फर्स्ट डे है अकाउंट की क्लास में। मैं आपका अकाउंट टीचर, आई एम धीरज जैन, योर अकाउंट टीचर। मैं आपको जो स्टडी करवाने वाला हूँ, इसमें मेरा सब्जेक्ट है अकाउंटेंस। मैं आपको जो सब्जेक्ट इसमें स्टडी कराऊंगा, 12th क्लास में आपके साथ जिस सब्जेक्ट को लेके मैं जुड़ा रहूँगा, उसका नाम है अकाउंटेंस। आप अब तक जो 10th में थे, 6th सब्जेक्ट आपके कंपलसरी सब्जेक्ट में थे, आपने 6th सब्जेक्ट चूजेबल थे। अब 11th और 12th में सब्जेक्ट की वो नंबरिंग कितनी हो गई है, 5। फर्स्ट हिंदी, सेकेंड इंग्लिश, थर्ड BST, फोर्थ अकाउंटेंसी। ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं कॉमर्स में, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट और BST। एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप चूज कर सकते हैं। चूज का मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप इको ले सकते हैं। एक बार मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन हो रहे हैं। आप इको ले सकते हैं मैथ्स या कंप्यूटर। चूजेबल सब्जेक्ट्स में आपके पास 3 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, और मजे की बात है हमारे स्कूल में आपके लिए 3 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। इसलिए नो डाउट आपका फ्यूचर सेफ है, आपने जो चूज किया है वो परफेक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि नॉर्मली किसी में कुछ नहीं मिलता, हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं जो चूजेबल सब्जेक्ट हैं इन कॉमर्स, इको, मैथ्स, कंप्यूटर। आपको जैसा चूज करना है वो सब्जेक्ट चूज करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम किसी के माइंड में आए तो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, जो प्रीवियसली आपको पढ़ा चुके हैं, करंट में हम लोग हैं, हमसे डिस्कशन कर सकते हैं सब्जेक्ट को चूज करते टाइम। क्योंकि हमें इन फ्यूचर करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। फिर हम क्या है, एक फ्रेंड सर्किल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करते हैं, और लगभग बाद में कुछ समय पश्चात हमको लगता है कि यार मैंने क्या, हमें हमारा जो सब्जेक्ट चूज करना है वो हमें अपने अकॉर्डिंग चूज करना है, ना कि फ्रेंड के अकॉर्डिंग चूज करना है। कॉमर्स लिया बेस्ट है, कोई टेंशन नहीं। आप ऐसा कोई वर्क नहीं है जो विदाउट कॉमर्स होता हो, शायद इस वर्ल्ड में कोई ऐसा काम नहीं है जो विदाउट कॉमर्स से जुड़ा हुआ नहीं है, अकाउंट से जुड़ा हुआ नहीं है। पर्टिकुलर हमारी जो घर पे मम्मी हैं, माता जी हैं, वो आपका जो पूरा घर मेंटेन करते हैं पापा की सैलरी में, वो एक प्रकार से क्या है, अकाउंट है, मैनेजमेंट है, जो कॉमर्स में पढ़ते हैं। कितना पैसा किसमें लगाना है, कितना पैसा किससे निकालना है, कितना सेविंग करना है, ये सब वो रिकॉर्ड करते हैं माइंड में, ऑन द बुक नहीं, क्योंकि वो उनको किसी को ये शो नहीं करना, लेकिन वो एक प्रकार से अकाउंट का वर्क करते हैं। तो सभी, मेरे नज़र में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कॉमर्स से रिलेटेड नहीं और जो अकाउंट का वर्क नहीं करता। जैसे आप भी थोड़ा बहुत पैसा है तो सेविंग करते हो, कहाँ इन्वेस्ट करना है उसको, मुझे किस समय ड्रेस लेना है, वो सब कुछ माइंड में चलता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्क अपना करते हो। तो ये 3 सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करोगे वो आपके ऊपर है, आपने चूज कर लिया होगा या जाओ तो डेमो ले रहे होंगे, जो भी कुछ है मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपके सब्जेक्ट क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लियर किया आपको सब्जेक्ट क्या लेने हैं, अपने जो टारगेट बेस के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज करें उसके अकॉर्डिंग, ताकि जो आप स्टडी करेंगे उसमें इंजॉय होना चाहिए। इंजॉय का मतलब है स्टडी ऐसा नहीं है कि बस मुझे पढ़ना है एक ग्रेजुएट होने के लिए, या मुझे पढ़ना है एक बहुत अच्छी लंबी क्लास दिखाने के लिए कि मैं वहाँ तक पढ़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। स्टडी होना चाहिए इंजॉय के लिए, मुझे करना ये चीज़ तो करना ही, एक नेसेसरी पार्ट होना चाहिए, ये मैं करूँगा और इसमें बेस्ट करूँगा, बेस्ट परफॉर्म दूंगा और बेस्ट हो जाऊंगा और परफेक्ट बेस्ट। बात करते हैं हमारे अकाउंट, आज डिस्कशन करेंगे, थोड़ा लेट चला क्लास इसलिए आज सिर्फ डिस्कशन क्लास करेंगे। डिस्कशन क्लास करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूंगा आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। आपको अकाउंट से रिलेटेड एक तो 2 चीज़ें करनी है, एक तो अकाउंट का नोट्स का रजिस्टर डालना है। डज नॉट मैटर वो कैसा होता है, जैसे नोटबुक रजिस्टर होता है ना, सिंपल वाइट, वो पेज लाइन दर पेज आते हैं, लगभग आप SST के और इनके डालते थे, वैसी कॉपी, थोड़ा बड़ा कॉपी, ठीक है ना, उसमें वो ब्राउन पेज वाला नहीं करना, वाइट पेज लाइन दर आते हैं वो करना, ठीक है, नोट्स की। फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना। एक आता है अकाउंट का रजिस्टर,
जो हार्ड, जिसका फर्स्ट कवर हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, आप ऐसे बोलेंगे ना अकाउंट रजिस्टर मुझे दे दीजिए, तो वो अकाउंट रजिस्टर आपको अवेलेबल करवा देगा। तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, अकाउंट रजिस्टर प्लस आपके नोट्स की कॉपी, और उनको इतना अच्छा कवरअप करो, इतना अच्छा उनको सेफ रखना, क्योंकि आप नॉर्मली बेटा जी 11th में हो, 11th क्लास इज इक्वल टू पीजी क्लास, जो आपने पीजी से पढ़ते हुए 10th में गए थे ना, पीजी क्लास से स्टार्ट किया, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड और कहां तक आ गए 10th में। अब मजे की बात है, वापस आप किसमें आ गए 11th, जो एक प्रकार से पीजी क्लास है। अब इस 11th से आप आगे की तरफ, इस आगे की तरफ बढ़ने के बाद, जैसे पीजी के बाद हमारा टारगेट तो 10 था, वो एक अचीव हो गया, एक पड़ाव आपने पार कर दिया, स्टडी का एक पूरा चैप्टर जो बोला जाए वो कंप्लीट कर दिया आपने, इसकी तो आपको बहुत बहुत बधाई है, कंग्रेचुलेशंस, आपने एक पड़ाव पार कर दिया। अब नेक्स्ट 11th वापस इज इक्वल टू पीजी क्लास, मैं हमेशा कहता हूँ 11th में आ गए पीजी में आ गए, तो एक तो माइंड से ये निकाल दो कि आपकी परसेंटेज क्या थी, कोई मैटर नहीं करता, क्यों मैटर नहीं करता, अब तो वही फर्स्ट क्लास, जैसा 90% का बच्चा है वैसे 40% का बच्चा है, तो 90% का बच्चा याद रखे, 95 का याद रखे, अब उसको और अच्छी मेहनत करनी है, क्योंकि अब जिस चेयर पे वो बैठा था टॉपर के चेयर पे, वो हिल सकती है, और जो 40% पे था बच्चा, जो 40% पे था, जिसको लगा था कि मैं शुरू से ही थोड़ा वीक था और कर नहीं पाया, अब वो करके दिखाए, उसके पास बहुत अच्छा ऑफर है, क्यों ऑफर है, क्योंकि अब वो वापस से अपनी पीजी क्लास में आ गया है, 11th में आ गया है, बेस में आ गया है, अपना बेस को जितना स्ट्रॉन्ग करेगा तो वो 40 का नहीं, वो भी 90 प्लस का हो जाएगा। तो याद रखना, अब जो क्लास है वो बड़ी सीरियसली क्लास, आप लोग 11th बेस है, प्योर बेस है, कॉमर्स का प्योर बेस 11th क्लास, हर सब्जेक्ट को इतना अच्छे से क्लियर से स्टडी करो कि उसको लेकर डाउट्स नहीं, कम पढ़ो लेकिन परफेक्ट पढ़ो, याद रखना 11th आपका बेस है। लोग बोलते हैं होम एग्जाम है, होम एग्जाम है, कोई नहीं, आपके घर में अगर कोई बड़ी क्लास में है या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और कॉमर्स ग्राउंड से, तो प्लीज उससे एक बार कंसल्ट करो क्या 11th बेस है, वो कहेगा मेरी कंपटीशन की एग्जाम की बुक को खोल के देख, सब कुछ 11th में लिखा हुआ, हाँ वो उनको लेंथी लैंग्वेज में पढ़ रहा है लेकिन सब कुछ किससे बेसिस से पढ़ रहा है, 11th बेस, बेस 11th। तो ये जो 11th है ये आपका बेस, 11th को नहीं छोड़ना, इजीली जितना भी कुछ आपको पढ़ाया जाए उसको इजीली पढ़ना, किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो वो डाउट्स हमसे क्लियर करना, और मन में ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने ये सब्जेक्ट लिया इसको मैं कैसे करूँगा कैसे नहीं कर पाऊँगा, वो आप सब कर दो, हमारी जो टीम है टीचर्स की जो टीम है वो अवेलेबल है तुम्हारे लिए, हमेशा अवेलेबल रहती है आपके लिए, हमेशा कुछ अच्छा करने की सोचती है, क्यों, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करोगे हमें, तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट हमें जब रिप्रेजेंट करें तो ऐसा करें कि हमारा नाम भी ऊंचा हो, इसलिए बेटा जी ऐसा कोई टेंशन हमारा नहीं है कि आपको कुछ भी छुपाया जाए आपसे, एकदम क्लियर कट आप जो पूछेंगे उसका आंसर मिलेगा, हो सकता है पर्टिकुलर टाइम पे नहीं मिले लेकिन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, हर चीज़ का आंसर होगा, और हमें भी आपसे सीखने मिलेगा, आपको हमसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, हमारा एक नया रेगुलेशन होना चाहिए था, क्लास में इंट्रोडक्शन होना चाहिए था लेकिन समय ऐसा है कि क्लास में नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऑनलाइन आपके साथ हैं। तो वापस से चर्चा करते हैं, अब मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में, ये तो मैंने जनरली आपको कॉमर्स को लेके कंसल्ट किया, अब मैं जो सब्जेक्ट इसमें स्टडी करवाने वाला हूं अकाउंटेंसी। होता है क्या अकाउंटेंसी में, क्या है कि बिजनेस में जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, बिजनेस में क्या करते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन करते हैं, चीजों को सेल करना, परचेज करना, किसी को पेमेंट करना, किसी से पेमेंट लेना, ये सारे काम हम बिजनेस में करते हैं, जिन्हें बोलते हैं हमारे ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब इन बिजनेस को हम लंबे टाइम तक
याद नहीं रख सकते, लर्न में नहीं रहेगा, माइंड में नहीं रहेगा, तो उसको क्या करते हैं हम ऑन रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको बुक्स में लिखते जाते हैं। और वो लिखना ही किसके अंदर आता है? अकाउंट। किसके अंदर आता है? अकाउंट के अंदर। सिंपल सब कुछ क्या होगा वो सब कुछ बताऊंगा, एक बार सिंपल पढ़ रहे। जैसे सपोज आप टेंथ के बारे में बात करो, आपको टेंथ में पांडे जी सर पढ़ाते थे, SST प्रीति मैडम पढ़ाते थे, आप जब वो आपको पढ़ाते थे क्या आप उनको अच्छे से सुनते थे और वो हमेशा की माइंड में सेट हो जाता, या आप उनको अच्छे से सुनने के बाद लिखते भी थे? वो सर आप लिखते थे उनके नोट्स, क्यों? अगर घर जाओगे तो उस समय उन मैडम ने उन सर ने आपको क्या बोला था? वो सब कुछ माइंड में नहीं रह सकता, पर्टिकुलर रह सकता है लेकिन सब कुछ माइंड में नहीं रह सकता, इसलिए आपने उसको नोट्स के रूप में लिख लिया और घर पे जाके उसको क्या कर लिया? स्टडी कर लिया, रिमाइंड में कर लिया। अब आज भी आपको अगर कहा जाए कि टेंथ में उस डेट को क्या क्लास हुई थी, अगर आप डेट वाइज आपके सारे चीजें आपने लिखी हैं तो आप कह सकते हो इस डेट को ये टॉपिक्स पांडे जी ने क्या किया था। ठीक है, तो उस लिए अकाउंट में क्या चलता है कि अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अब रिकॉर्ड क्यों किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है ताकि इन फ्यूचर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम ले सके। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस में आपको? क्या इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस की? जो भी ट्रांजेक्शन है आप उनको रिकॉर्ड करते हो। क्या कर लोगे? रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड? मैं किसी का नाम लेता हूं, मुझे एक बार बताए कि इंफॉर्मेशन क्या चाहिए। श्रुति जगनानी, श्रुति जगनानी माइक ऑन करो बेटा। यस सर। ये बताओ हम बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? अकाउंट के थ्रू। यस सर। अब जो रिकॉर्ड करते हैं उसका मोटिव क्या है? क्या सर रिकॉर्ड करते हैं उसका मोटिव क्या है, क्यों रिकॉर्ड करते हैं, कुछ बताओगे? ताकि सर वो जो अपना सारा अपन लोगों ने क्या है ट्रांजैक्शन वो अपने पास में सेफली प्रेजेंट रहे, उसको हम माइंड में रख सके कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन की है वो माइंड में है। हाँ, जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे वो माइंड में रहेंगे। बिल्कुल सही है। ट्रांजेक्शन को लंबे टाइम तक लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए माइंड में हमें चाहिएगा कि हम अपने बुक को क्या करें? रिकॉर्ड करें। चलो हाँ। ये पलक जोशी, पलक जोशी। यस सर। हाँ बेटा पलक, एक और कारण बताओ, एक और मोटिव बताओ कि हम रिकॉर्ड क्यों करें। एक तो बता दिया कि ट्रांजेक्शन को लंबे टाइम तक लर्न करने के लिए, माइंड में रखने के लिए, याद रखने के लिए हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, हम करेक्ट डिसीजन ले सके। हाँ जी, हम करेक्ट डिसीजन ले सके अपने बिजनेस के लिए। बिल्कुल, बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग रिपोर्ट काम में आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत अच्छा। आप देखो जो इन्होंने बोला कि डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन लिए जा सकते हैं। डिसीजन कैसे लिए जा सकते हैं? जैसे आपने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद आप सेल भी रिकॉर्ड करते हो, आप परचेज भी रिकॉर्ड करते हो। अब आपकी सेल तो अच्छी खासी बढ़ रही है, तो आप डिसीजन लोगे कि अपनी बार जो मुझे गुड्स परचेज करना है वो कुछ लेंथी करना है, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करूंगा ताकि ज़्यादा सेल्स कर सकूँ, क्योंकि मैंने तो पिछली बार बहुत जल्दी सेल कर दिया था और उसके बाद मैं तो फ्री बैठा रहा, मेरा तो गुड्स मेरे पास था ही नहीं। तो हम हमारे जो फ्यूचर के डिसीजन है उनको ले सकते हैं, जैसे नेसेसरी चीज़ें नहीं खरीदें हम उन सबको ले सकते हैं। और सबसे जो मेन कारण है जिसके कारण ये रिकॉर्ड किए जाते हैं वो मेन कारण है ये, प्रॉफिट एंड लॉस। हम हमारे अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट या लॉस पे। आपने जो भी बोले वो सही है, उनको भी है, वो भी हमारे यूजेबल है, वो भी हमारे मोटिव है, लेकिन सबसे मेन मोटिव होता है प्रॉफिट या लॉस। हमने बिजनेस किसके लिए किया था? प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट अर्न कितना हुआ कैसे पता चलेगा, हम ऑन रिकॉर्ड सारे हमारे रेवेन्यू लिख लेंगे और हमारी एक्सपेंसेस लिख लेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनके रिकॉर्ड कर लेंगे, रेवेन्यू कितना पैसा आया, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस कितना पैसा गया, और इनका जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट कब होगा बात वो है, और लॉस कब होगा, तो रेवेन्यू जब आपकी मोर देन होगी एक्सपेंसेस, ठीक है, रेवेन्यू मोर देन एक्सपेंसेस इट मींस प्रॉफिट, रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंसेस से प्रॉफिट, एक्सपेंसेस मोर देन रेवेन्यू इट मींस लॉस, लॉस। और हमने प्रॉफिट और लॉस का जो प्रॉफिट है यही हमारा मेन मोटिव था बिजनेस करने का, और इसकी कैलकुलेशन कौन बता सकता है, आपकी अकाउंट, क्योंकि अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो आपको एक लास्ट एक टाइम पे आपको ये पता चलेगा आपकी रिवेन्यू कितनी है, एक्सपेंसेस कितना है, और इनका जो डिफरेंस है वो आपको प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करवा देगा, प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करवा देगा, तो फ्यूचर के आप डिसीजन ले सकते हो। प्रॉफिट है तो डिसीजन लोगे आप और प्रॉफिट कैसे मोर देन प्रॉफिट में अर्न करूँ, लॉस है तो आप डिसीजन ले सकते हो कि ऐसे क्या कारण है जिससे मुझे लॉस हुआ और फ्यूचर में नहीं हूँ, उसके मैं डिसीजन ले सकता हूँ। तो ये कुछ अकाउंट में हम पढ़ते हैं चीज़ों को रिकॉर्ड करना, लंबे समय तक याद रखना, ताकि हम प्रॉफिट या लॉस ले सकें, हमारे डिसीजन ले सकें, हम किसी चीज़ को लिए याद रखने के लिए मेमोरी में रखने के लिए जरूरी होता है। जैसे सपोज मैंने आपसे कुछ ले लिया, परचेज करता हूँ आपकी दुकान से, आपकी शॉप से, और आप नहीं लिखते, हो सकता है आपको एक महीने याद रहे, दो महीने याद रहे, तीन महीने याद रहे, और उसके बाद भूल गए, तो भूल गए तो आपको तो बहुत बड़ा घाटा है, आप तो अपना गुड्स देने के बाद भूल गए। और ऐसा नहीं है, मैं एक हमारे दुकान पे हमारी शॉप पे कितने कस्टमर आते हैं, बहुत से कस्टमर आते हैं जो हमसे डीलिंग करते हैं, और उसमें मोर देन क्रेडिट ही होता है, परचेज भी क्रेडिट और सेल भी क्रेडिट, आज का जो बिजनेस है उसमें मोर देन क्रेडिट चलता है, सब कुछ क्रेडिट में चलता है, रिकॉर्ड नहीं करोगे तो। जैसे स्कूल है, सपोज एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे टेंथ क्लास है, आप टेंथ क्लास में थे तो जब आपसे फीस मांगी तो ऐसे नहीं कहा गया कि हाँ आपकी फीस बाकी, आपने कहा कितने बाकी, बोले दे देना जितने बाकी है उतने दे देना, ऐसे थोड़ी ना कहा गया, ऐसे कह गया कितने थाउजेंड, कितने हंड्रेड, कितने रुपीज आपके बाकी, कैसे पता चला सा, एक्यूरेट बोला अकाउंट अकाउंट, क्योंकि उसको मेंटेन करता है विशाल जी, मेंटेन करते हैं ना पूरा अकाउंट, तो विशाल जी जैसे पूरा अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो हर स्टूडेंट का, हर बच्चे का ये तक बता सकते हैं किस बच्चे को कितना पैसा किस टाइम दिया और कितना देना है। सोचो इतने स्टूडेंट मेंटेन कर रहे हैं विशाल जी अकाउंट, एक टीचर मेंटेन कर रहा है बच्चों को, वो भी छोटा मोटा एक रजिस्टर सा डालता है एक प्रकार से, वो क्या चल रहा है, वो मेंटेन कर रहा है रिकॉर्ड्स को, कौन आया कौन गया कौन कब गया कौन कब आया कैसे कैसे नहीं है, हर चीज को वो भी मेंटेन कर रहा है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है, और मेंटेन करता है तो अकाउंट का काम करता है। तो अकाउंट तो हर जगह है, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ अकाउंट है, तो अकाउंट एक लेंथी है, और इस 11th में अकाउंट्स के बेसिक ट्रंक्स हैं, सारे के सारे बेसिक ट्रंक्स हैं। तो कल आप अपने नोट्स की एक कॉपी रखोगे अपने पास में, होना चाहिए, अकाउंट का रजिस्टर तो अभी नहीं चाहिएगा मुझे, लेकिन जब वो खरीद लाओ तो खरीद लाओ, तो 5-6 दिन में हम क्वेश्चंस आंसर करने लग जाएंगे तो वो भी चाहिए। और ये बताओ किसने बुक्स परचेज कर ली या PDF भेज दी है मुझे, एक बार बच्चे स्पीकर ऑन करें और मुझे ये बताएं आपके पास बुक्स अवेलेबल है या ना PDF सेंड करें बुक्स की। सर अवेलेबल है। हां जी सर मेरे पास में तो अवेलेबल है। श्रुति के पास अवेलेबल है। अलग मेरे पास भी है सर। 11 की बुक्स आपने ले ली, बहुत अच्छा। हाँ ले ली। बहुत बहुत बढ़िया, जिसके पास भी बुक्स है बहुत अच्छी बात है, कल से बुक अपनी स्टार्ट कर देंगे। और बुक का मतलब है अपन बुक का स्टडी ऐसा नहीं है कि अपने को ऐसे बुक्स में जो लिखा हुआ है वो पढ़ना है, अपन नोट बनाएंगे उसके लिए आपको नोट्स की कॉपी चाहिए, तो अपनी अपनी कॉपी रखना, पेन रखना, नोट्स के अकॉर्डिंग उसको लिखते जाना, और जो भी डाउट आए वो मैसेज कंसल्ट करते जाओगे कि कहाँ क्या डाउट था, तो वो अपन कंसल्टेशन करते जाओगे। एक सेकंड बेटा।
तो इससे रिलेटेड मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा। और आज क्या थोड़ी टेक्निक प्रॉब्लम थी इसलिए मैं टाइम से क्लास नहीं ले पाया। जैसे ही सारा कुछ सेटअप हो गया तो अब मेरी जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी और इस क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे। और कंटिन्यू रखने के बाद कल से हम टॉपिक स्टार्ट है हमारा, नोट्स की कॉपी रखोगे, थोड़ा सा दिन हम थ्योरिकल पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल भी करेंगे। जैसे इसमें प्रैक्टिकल मतलब है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, कैसे उनका सोल्यूशन करना है वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम ये स्टडी करेंगे बेटा जी। कोई भी डाउट आए, कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो मुझसे आप क्लियर करें, सब्जेक्ट को लेके, बुक्स को लेके, क्या अवेलेबल करना है। मैंने आज फर्स्ट क्लास थी, मैंने बता दिया अकाउंट में आप क्या पढ़ने वाले हो, सब कुछ रिकॉर्ड कैसे करते हैं बिजनेस में वो सब पढ़ने वाले हो, बिजनेस की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, उसकी प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस हम उसको लेके प्रोसेस पूरी प्रोसेस को स्टडी करने वाले। अकाउंट नॉट ए कोई गेम्स, अकाउंट इज टोटली एक प्रोसेस, पूरी प्रोसेस है, यहाँ ट्रांजेक्शन से लेके यहाँ तक पहुँचने की प्रोसेस, कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, फिर कौन से बुक्स में जाएंगे, क्या करना है, कैसे प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है ना। तो एक पूरा प्रोसेस है और इसमें ऐसा नहीं है सभी एरिया में हम जा सकते हैं, सारे एरिए वाइंड अप है, बहुत बड़े भी एरियाज हैं। तो कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना बेटा जी, अब तक बच्चे ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देना, तो किसी को डाउट हो तो लेके पूछ लेना, बाकी तक क्लास वो आप कंटिन्यू। आज के लिए